ग्वालियर में इस्कॉन संस्थान द्वारा निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में भीड़ का लाभ उठाते हुए जेब कट गिरोह और लुटेरे भी सक्रिय रहे और यात्रा में शामिल तीन महिलाओं के गले से सोने की चेन निकाल कर ले गए। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने तीनों ही मामले में FIR दर्ज कर चोरी करने की वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शातिर चोरों ने दौलतगंज और दाल बाजार इलाके में इन वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें रोशनी घर निवासी वाणी देवी के गले से 13 ग्राम सोने की चेन गायब हुई, तो वहीं दाल बाजार से माधुरी गुप्ता की सोने की चेन गायब हुई है और दौलतगंज इलाके से अग्रसेन पार्क के पास से भी चोरों ने गीता देवी की 40,000 रुपये की कीमत की सोने की चेन गायब कर दी। पुलिस द्वारा इन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश के लिए CCTV फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं, इससे जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ हो सके। कल यहाँ पे GYMC क्लब से शुरू होके यहाँ पे छतरी मंडी में तक जगन्नाथ यात्रा चला हुआ था, उसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित थे, हजारों में। इस यात्रा के दौरान तीन जगह पे चेन कटिंग का कंप्लेन आया था और उसके ऊपर हमने FIR किया है। एक तो दौलतगंज में हुआ बता रहे हैं और दो दाल बाजार में हुआ है। अभी कोतवाली थाने में FIR दर्ज हुआ है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। अभी इसमें वो जो यात्रा का फुटेज CCTV वगैरह खंगाल के हमने आरोपी का पता कर लिया।